हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 9 फोर्स एनर्जी एंड मशीन। नाउ वी विल डिस्कस ओनली फोर्स। लेट्स रीड। एवरी टाइम यू मूव और डू समथिंग, एवरीवन मूव डू मूवमेंट, राइट? एवरीवन, कोई ना कोई मूवमेंट होती रहती है और हम कोई भी वर्क करते हैं, राइट? एवरी टाइम यू मूव और डू समथिंग। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि हम मूवमेंट या कोई भी वर्क करते हैं तो किसकी हेल्प से करते हैं, क्या आपने कभी सोचे हैं? Every time you move or do something, right? ऐसे कौन सी फिजिकली हमें नीड पड़ती है जिसके मदद से, जिसकी हेल्प से हम कंप्लीट मूवमेंट करते हैं, कोई भी वर्क कंप्लीट करते हैं, राइट? ऐसी कौन सी चीज है जो हमें फिजिकली नीड पड़ती है? एवरी टाइम यू मूव और डू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, लाइक यूजिंग योर पेंसिल, वॉकिंग, पिकिंग अप थिंग्स और राइडिंग अ बाइसिकल। ओ, यू आर यूजिंग फोर्स। वेन यूजिंग योर पेंसिल यू यूज फोर्स, वॉकिंग फोर्स, पिकिंग अप थिंग्स यूजिंग फोर्स। वी कैन नॉट कंप्लीट एनी मूवमेंट, वी कैन नॉट कंप्लीट एनी वर्क विदाउट फोर्स। With the help of force, we can complete any task, complete any movement with the help of force, right? It is physically need force. आप force use नहीं कर रहे तो कोई भी work, कोई भी movement हम complete नहीं कर सकते, right? These forces are example of everyday life and you use them to make your life easier, okay? The force, every movement, every work, any task आपको complete करना है तो उसके लिए force की need होती है। Force है तो any movement आप start कर सकते हैं। कोई भी movement आपको start करना है, कोई भी work आपको start करना है तो सबसे पहले need आपको पड़ेगी force की, okay? Using your pencil, you are using force. For the example, you are walking, you are using force. You are picking up any things, you are using force. Okay, force can be defined as a push or a pull. For example, when you throw a ball, you apply a force to the ball. जब आप कोई बॉल थ्रो कर रहे, फेंक रहे हैं तो आपको क्या करना होता है, आपके हैंड से आपको एक फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, किस पर? बॉल के ऊपर, राइट? फोर्स इज मेजर्ड बाय एन न्यूटन, और फोर्स को मेजर किया जाता है न्यूटन एन। फोर्स, अ फोर्स इज अ पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट। फोर्स इज अ पुश और पुल, राइट? आपने सुने होंगे, दम लगाओ हर आसन। आप कभी कभी डोर क्लोज है उसको आप पुश करते हैं या पुल करते हैं तो कितनी आप फोर्स यू अप्लाई करते हैं, राइट? राइट, फोर्स इज अ पुश और अ पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट। यहां इंटरेक्शन होता है टू ऑब्जेक्ट्स में, कितने ऑब्जेक्ट्स में? टू ऑब्जेक्ट्स, राइट? रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट। देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स नीड, टू ऑब्जेक्ट्स की नीड होती है फोर्स अप्लाई करने के लिए, ओके? विदाउट टू ऑब्जेक्ट्स वी कैन नॉट अप्लाई फोर्स। व्हेनेवर देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, राइट, द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, देयर इज अ फोर्स अपॉन ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, राइट? वही फोर्स टू अपॉन ईच ऑफ ऑब्जेक्ट, ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, दोनों ऑब्जेक्ट्स पर फोर्स अप्लाई होता है, राइट? फोर्स एंड मोशन आर क्लोजली इंटरकनेक्टेड। यहां फोर्स एंड मोशन बोथ आर क्लोजली इंटरकनेक्टेड। आपका जितना फोर्स होगा उतना मोशन होगा। ओ, बड़ी स्पीड से वाहन चलाया, कहते हैं हम लोग राइडिंग किया, राइट? तो जितना फोर्स उतना मोशन, राइट? द फोर्स एंड मोशन आर क्लोजली इंटरकनेक्टेड। इन जनरल मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर स्टैंडिंग स्टिल। मेनी थिंग्स हम देखते हैं कि स्टैंडिंग
पोजिशन में होते हैं राइट, बट एज यू लुक अराउंड, जब आप अपने आसपास देखते हैं, एज यू लुक अराउंड यू मे सी दैट थिंग्स विच वर स्टिल सडनली स्टार्ट टू मूव और वन रीजन और अनादर. फॉर एग्जाम्पल, ओके, यू मे सी दैट थिंग्स, कुछ ऐसे थिंग्स होते हैं जो स्टैंडिंग या स्टेबल होते हैं, बट वो अचानक या सडनली स्टार्ट कर देते हैं मूवमेंट के लिए, मूवमेंट हो जाता है. तो उसके पीछे क्या होता है, फॉर एनी रीजन, कुछ तो भी रीजन होता है या अनदर कोई एनी पर्टिकुलर रीजन, राइट. फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल फॉल्स फ्रॉम द ट्री टू द ग्राउंड. एप्पल का फॉलिंग होना ग्राउंड के ऊपर, राइट, द टू ऑब्जेक्ट्स आर देयर, एप्पल एंड ग्राउंड. अब यार कुछ ना कुछ रीजन है जो एप्पल फॉलिंग करता है ग्राउंड के ऊपर. हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या रीजन होता है, बट यहाँ फोर्स अप्लाई हुआ है एप्पल के, राइट, ऑन द एप्पल, और यहाँ टू ऑब्जेक्ट्स हैं एप्पल एंड ग्राउंड. सम मेन पुश अ स्टॉल्ड कार डाउन द स्ट्रीट. सम मेन, देयर आर मेन एंड कार, ओके, टू ऑब्जेक्ट्स आर देयर, दे आर यूजिंग फोर्स with the help of their hand, right? Some men push a stalled car down the street. Okay, there are another, okay, reason, the person pushing the car, right? You blow a balloon. आप balloon blow up करते हैं and it flies away as the air rushes out. और वहां एयर एंड बलून टू थिंग्स आर देयर, या फोर्स अप्लाई हो रहा है, राइट. यू होल्ड अ स्टिक अंडर वाटर एंड व्हेन यू लेट इट गो, इट शूट्स अप थ्रू द सरफेस. एक स्टिक एंड वाटर, देयर आर बोथ थिंग्स, टू थिंग्स आर देयर. जैसे आप उसको छोड़ देते हैं वो शूट अप हो जाता है सरफेस पर, राइट, ओके. देयर इज अ रीजन. क्या रीजन है फोर्स अप्लाई करने का, क्या रीजन है फोर्स यूज करने का, हम वीडियो में डिस्कस करेंगे. बट फोर्स कैन बी डिफाइंड एज अ पुश और अ पुल. यदि आपको कोई वर्क या मूवमेंट करना है तो आपको उसको स्टार्ट करने के लिए, मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, फोर्स यूज करना होता है, राइट. देन यू कैन कंप्लीट एनी मूवमेंट और वर्क. तो फोर्स कैन बी डिफाइंड एज अ पुश और पुल. फोर्स कैन बी डिफाइंड एज अ पुश और अ पुल. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्सेस.